नमस्कार दोस्तों, टर्बो एक्स ड्राइव चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सचिन मलिक आज आपको मॉर्निंग वॉक या सुबह की सैर के फ़ायदे बताऊंगा। नंबर वन, गठिया और ऑस्टियोपोरोसिस से बचाने में लाभदायक। अनियंत्रित जीवन शैली और बढ़ती उम्र का एक नकारात्मक प्रभाव गठिया और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याओं के रूप में देखने को मिल सकता है। दरअसल ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी समस्या है जिसमें हड्डियों का घनत्व कम होने लगता है, जिस कारण हड्डियां पतली और कमज़ोर हो जाती हैं। इस वजह से हड्डियों में दर्द भी होता है। वही स्थिति अत्यधिक गंभीर होने पर हड्डियां आसानी से टूट सकती हैं। ऐसे में सबसे अधिक कूल्हे, रीढ़ और कलाई की हड्डियां प्रभावित होती हैं। वहीं सुबह सुबह घूमने के फायदे हड्डियों के घनत्व को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। ऐसे में सुबह की सैर करना ऑस्टियोपेनिया या ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या में लाभदायक हो सकता है। इसी तरह गठिया से संबंधित मामलों में स्वास्थ्य विशेषज्ञ ये सलाह देते हैं, जिसके लिए सुबह की सैर को उपयोगी माना जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार गठिया की समस्या को कम करने के लिए एक वयस्क को प्रति सप्ताह कम से कम 150 मिनट तक मध्यम गति से की जाने वाली शारीरिक गतिविधियों में हिस्सा लेना चाहिए। इसके तहत पैदल चलना, तैरना या साइकिल चलाना जैसी गतिविधियों को अपनाया जा सकता है। यही वजह है कि गठिया या कमज़ोर होती हड्डियों की समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए सुबह की सैर करना एक प्रभावकारी व्यायाम साबित हो सकता है। मॉर्निंग वॉक या सुबह की सैर का दूसरा फायदा यह है कि यह डिप्रेशन से राहत दिलाता है। इस समय की सबसे बड़ी बीमारियों में डिप्रेशन को गिना जाता है। इसे मूड डिसऑर्डर भी कहा जाता है, क्योंकि इसके कारण व्यक्ति का मानसिक स्तर बदलता रहता है। इसके रोगी के मन में उदासी, हानि, क्रोध या निराशा की भावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं, जो रोज़मर्रा के जीवन को भी प्रभावित कर सकती हैं। वहीं इस समस्या को कम करने में सुबह की सैर प्रभावकारी हो सकती है। वहीं NCBI पर प्रकाशित एक शोध में भी इस बात को स्वीकार किया गया है। शोध में माना गया है कि अगर डिप्रेशन के मरीज रोज़ 20 से 40 मिनट की सैर करें तो उनकी स्थिति में काफ़ी सुधार देखने को मिल सकता है। इस लिहाज से डिप्रेशन की समस्या में रोज़ाना नियमित सुबह की सैर करना लाभकारी माना जा सकता है। इसका तीसरा फायदा यह है कि ये मधुमेह या डायबिटीज़ को नियंत्रित करता है। मधुमेह अनियंत्रित जीवन शैली के कारण होने वाली आम बीमारियों में से एक है। वहीं अगर सुबह की सैर की जाए तो इस समस्या को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। एक शोध के अनुसार सैर करने जैसी शारीरिक गतिविधि को अपनाने से टाइप 2 डायबिटीज़ का जोखिम 20 से 30 फीसदी तक कम होता है। वहीं सुबह की सैर मेटाबॉलिक सिंड्रोम के जोखिम को कम कर हाई ब्लड शुगर को नियंत्रित कर सकती है। इस तरह सुबह सैर करने के फ़ायदे मधुमेह के मरीजों के लिए भी लाभकारी हो सकते हैं। और आप इससे ये देखेंगे कि HbA1c का लेवल जो है वो भी इससे कम होता है, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि हम डायबिटीज़ को एक तरह से रिवर्स भी कर सकते हैं, या जो जिस जैसे अभी डायबिटीज़ नहीं हुई है तो इसे हम डायबिटीज़ का ख़तरा है जिन लोगों को, जिनका HbA1c 6.3, 6.2, 6, 5.9, 5.7 या 6.3 के बीच में है, तो वो अगर सुबह सुबह रोज सैर करेंगे तो उनका HbA1c जो लेवल है वो कम हो जाएगा और उनको टाइप 2 डायबिटीज़ नहीं होगी। इसका चौथा और अगला फ़ायदा ये है कि हृदय स्वास्थ्य को ये सुधारता है, यानी कि हार्ट के स्वास्थ्य को। हृदय स्वास्थ्य को बनाए रखने में भी मॉर्निंग वॉक के फ़ायदे मददगार हो सकते हैं। सुबह की नियमित सैर से हृदय संबंधित बीमारियों के जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है। इतना ही नहीं, अध्ययनों से इस बात की भी पुष्टि होती है कि चलने की प्रक्रिया जितना बढ़ाएंगे हृदय से जुड़ी समस्याओं का जोखिम उतना ही कम होगा।
इस आधार पर हृदय की बीमारी से जूझ रहे मरीजों के लिए सुबह की सैर करना फायदेमंद माना जा सकता है। मैं ये सचिन मलिक खुद ये सुझाव दूंगा कि जब भी उदाहरण के लिए आप आधे घंटे की सैर करें तो सुबह 5 मिनट धीरे धीरे सैर करें, उसके बाद अगले 20 मिनट मध्यम से तेज गति तक सैर करें और आखिरी के जो 5 मिनट हैं उसके बाद फिर थोड़ा धीरे कर दें उसको, यानी कि शुरू के 5 मिनट और लास्ट के 5 मिनट थोड़ा धीरे धीरे सैर करें और बीच के 20 मिनट थोड़ा सा तेज सैर करें, और सैर करने के बाद तुरंत कुछ देर बाद हल्की स्ट्रेचिंग करें, एकदम से बैठे नहीं, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करें 2-3 मिनट, और हो सके तो 5 से 10 मिनट बैठकर ध्यान या मेडिटेशन करेंगे तो इससे बहुत ही फायदा होगा आपको, शारीरिक और मानसिक दोनों फायदे होंगे। इसका अगला पांचवा और अगला फायदा यह है कि कैंसर के जोखिम को कम करता है। यही हम यह मॉर्निंग वॉक कैंसर का सटीक इलाज है, लेकिन ये हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये मॉर्निंग वॉक कैंसर का सटीक इलाज है, लेकिन विभिन्न शोधों से ये स्पष्ट होता है कि सैर करना कैंसर के जोखिम को कम कर सकता है। शोध बताते हैं कि प्रति सप्ताह जहाँ 3 घंटे की सैर स्तन कैंसर की स्थिति को बेहतर बना सकती है, वहीं प्रति सप्ताह 6 घंटे की सैर करने से कोलोन कैंसर से बचाव किया जा सकता है। इसके अलावा महिलाओं से जुड़े कैंसर जैसे एंडोमेट्रियम कैंसर, यानी कि गर्भाशय की अंदरूनी परत पर होने वाला कैंसर, अंडाशय का कैंसर और गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के जोखिम को भी 20 से 30% तक सुबह की सैर के माध्यम से कम किया जा सकता है। वहीं एक अन्य शोध से पता चलता है कि चलने या दौड़ने जैसी शारीरिक गतिविधि किडनी कैंसर से लड़ने में भी मदद कर सकती है। इसके अलावा एक अन्य अध्ययन से भी ज्ञात होता है कि कैंसर के इलाज के दौरान होने वाले शारीरिक दर्द को कम करने में भी सैर करने के फायदे सहायक हो सकते हैं। इस तरह सुबह घूमने के फायदे कैंसर के जोखिम को कुछ हद तक कम करने में मददगार माने जा सकते हैं। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि कैंसर एक घातक और जानलेवा बीमारी है, इसलिए सुबह की सैर केवल कैंसर के डॉक्टरी इलाज को प्रभावी बनाने में मदद कर सकती है। इस समस्या का पूर्ण इलाज डॉक्टरी सलाह पर ही निर्भर करता है। सैर करने का अगला और छठा फायदा दिमागी कार्यक्षमता को बढ़ाता है। सुबह की सैर दिमागी कार्यक्षमता पर किस तरह का प्रभाव डालती है, इस मामले पर एनसीबीआई पर पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय द्वारा किया गया एक शोध उपलब्ध है। शोध के अनुसार नियमित तौर पर लगभग 1 मील तक चलने से मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों का विस्तार किया जा सकता है। ऐसे में डिमेंशिया, भूलने की बीमारी जैसी मानसिक स्थिति में लगभग 50% तक सुधार संभव है। दरअसल डिमेंशिया की स्थिति मस्तिष्क का लचीलापन कम होने के कारण हो सकती है, जिसकी वजह से मस्तिष्क की नसें पतली होने लगती हैं और उनके संदेश पहुंचाने की प्रक्रिया इंटरकनेक्शन प्रभावित हो जाती है। वहीं चलने की प्रक्रिया मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों का विस्तार कर सकती है, जो दिमागी कार्यक्षमता को बढ़ाकर इससे जुड़ी स्थितियों में भी सुधार ला सकती है। इसे देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि सुबह घूमने के फायदे न सिर्फ याददाश्त बढ़ाने में सहायक हैं, बल्कि भूलने की आदत में भी इससे सुधार आ सकता है। इसका अगला और सातवां फायदा वजन घटाने के लिए। अनियंत्रित खान पान और खराब जीवन शैली को मोटापे का एक बड़ा कारण माना जाता है। वहीं खराब जीवन शैली में न सिर्फ अधिक खान पान बल्कि शारीरिक गतिविधियां और सोने की गुणवत्ता को भी जोड़ा जा सकता है। इस तरह की गतिविधियां शरीर का बॉडी मास इंडेक्स यानी कि BMI बढ़ा सकती है, जिससे शरीर का वजन भी बढ़ता है। ऐसे में उचित डाइट के साथ एक स्वस्थ जीवन शैली वजन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक मानी जाती है। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि आहार में कोई बड़ा बदलाव किए बिना सुबह की सैर वजन घटाने में मदद कर सकती है। वहीं मोटापे से परेशान लोगों पर किए गए एक शोध में पाया गया है कि मात्र चलने से ही शरीर का फैट कम हो सकता है, शरीर में लचीलापन बढ़ सकता है और मांसपेशियों को मजबूती भी मिल सकती है। मॉर्निंग वॉक या सुबह की सैर के अगला आठवां फायदा प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी मामूली में भी सुबह चलने के फायदे
सहायक हो सकते हैं। यह बात सुबह की सैर से संबंधित एक शोध से स्पष्ट होती है। शोध में माना गया है कि प्रतिदिन 30 मिनट की सैर रक्त प्रवाह को बढ़ाकर शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा पहुंचा सकती है। इस तरह सुबह की सैर प्रतिरोधक प्रणाली को कुछ हद तक मजबूत कर बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान कर सकती है। मॉर्निंग वॉक या सुबह की सैर का 9वां और अगला फायदा, थकान दूर करने के लिए। सुबह घूमने के फायदे में से एक यह भी है कि इससे शारीरिक थकान को दूर करने में भी मदद मिल सकती है। दरअसल चलने से मल्टीपल स्क्लेरोसिस, शरीर के ऊतकों को नुकसान पहुंचाने के जोखिम को भी कम किया जा सकता है, जिससे शारीरिक थकान को कम करने में मदद मिल सकती है। बता दें कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस तंत्रिका तंत्र से जुड़ी एक बीमारी है जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डियों को प्रभावित करती है। इसमें शरीर के ऊतकों को नुकसान पहुंचता है, जिसकी वजह से मस्तिष्क और शरीर के बीच संदेश की क्रिया प्रभावित हो सकती है। साथ ही यह समस्या मांसपेशियों में कमजोरी और सामान्य शारीरिक संतुलन बनाए रखने में भी बाधा उत्पन्न कर सकती है, जिसके कारण थकान आ सकती है। इस आधार पर यह माना जा सकता है कि मॉर्निंग वॉक शारीरिक थकान को दूर करने में भी मदद कर सकती है। मॉर्निंग वॉक या सुबह की सैर का अगला और 10वां फायदा फेफड़ों की कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए है। रोजाना 30 मिनट मॉर्निंग वॉक करने से फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ सकती है, जिसकी वजह से यह है कि किसी भी तरह की शारीरिक गतिविधि करते समय फेफड़े शरीर में ऑक्सीजन प्रवाहित करते हैं, जिससे शरीर को ऊर्जा मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकलती है। वहीं हृदय मांसपेशियों में ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है। इस तरह जब मांसपेशियां अधिक कार्य करती हैं तो शरीर का कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए अधिक मात्रा में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। इस वजह से सांस लेने की दर भी बढ़ जाती है। इस तरह नियमित रूप से सुबह चलने के फायदे फेफड़ों की कार्यक्षमता को बढ़ाने में भी सहायक माने जा सकते हैं। इसका मॉर्निंग वॉक या सुबह की सैर का अगला और 11वां फायदा, तनाव से मुक्ति। सुबह की सैर को तनाव दूर करने का प्रभावी तरीका माना जा सकता है। तनाव शरीर पर विपरीत प्रभाव डाल सकता है, जो विभिन्न शारीरिक मानसिक समस्याओं की वजह बन सकता है। वहीं मॉर्निंग वॉक से मस्तिष्क में रक्त का संचालन बेहतर होता है और मूड भी सही बना रहता है, जिससे तनाव को कम करने में मदद मिल सकती है। इस तरह सुबह की सैर मन को तरोताजा करके तनाव के जोखिम को कम करने का काम कर सकती है। मॉर्निंग वॉक या सुबह की सैर का अगला और 12वां फायदा कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित करने में है। नियमित रूप से मॉर्निंग वॉक किया जाए तो बढ़ते कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित किया जा सकता है। वहीं विशेषज्ञ कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित रखने के लिए वयस्कों को हर सप्ताह 2.5 घंटे तक और किशोरों व बच्चों को लगभग 1 घंटे तक मध्यम गति वाली व्यायाम, मॉडरेट इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज करने की सलाह देते हैं, जिसमें तेज गति से चलना भी शामिल है। इस आधार पर सुबह की सैर को बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने के मामले में भी एक लाभकारी माना जा सकता है। मॉर्निंग वॉक या सुबह की सैर करने का अगला और 13वां फायदा, धमनियों में जो रुकावट हो जाती है, एथेरोस्क्लेरोसिस से बचाता है। ये एक स्वास्थ्य विकार माना जाता है, अक्सर बढ़ती उम्र, खराब जीवनशैली और शारीरिक गतिविधियों की कमी के कारण यह समस्या अधिक देखी जाती है। इस स्थिति में धमनियाँ हृदय से रक्त को आगे पहुँचाने वाले रक्त वाहिकाएँ में वसायुक्त पदार्थ बनने लगता है। इसके कारण यह पतली होने लगती हैं, जिसमें शरीर में खून का प्रभाव प्रभावित हो सकता है। वही स्थिति गंभीर होने पर पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, परिधीय धमनी रोग का जोखिम बढ़ जाता है, जो मुख्य रूप से हाथ पैरों के सुन्न होने की समस्या बढ़ा सकता है। वहीं इस तरह की समस्या से बचने में सैर के फायदे हो सकते हैं। इस समस्या से बचने के लिए हफ्ते में 5 दिन 30 मिनट की सैर करना प्रभावकारी हो सकता है। मॉर्निंग वॉक या सुबह की सैर का अगला और 14वां फायदा, बनी रहती है त्वचा की चमक। स्वस्थ त्वचा दो कारकों पर निर्भर करती है, जिसमें एक है शरीर की आंतरिक स्थिति और दूसरी है बाहरी स्थिति, जिसमें मुख्य रूप से पर्यावरणीय प्रभाव, धूम्रपान, प्रदूषण, नींद की कमी और खराब पोषण शामिल है। वहीं बात करें शरीर की आंतरिक देखभाल की, तो इसके लिए जरूरी है कि शरीर के अंदर फ्री रेडिकल्स की रोकथाम की जाए। फ्री रेडिकल्स यानी हानिकारक मुक्त कण, और साथ ही संतुलित आहार भी लिया जाए। वहीं अध्ययनों से पता चलता है कि शारीरिक गतिविधि करने से शरीर में ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया बढ़ती है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, जिससे
त्वचा की कोशिकाओं को सुरक्षा मिलती है। इस तरह शारीरिक व्यायाम एंटी एजिंग प्रभाव भी प्रदर्शित करता है, साथ ही यह ऑक्सीडेटिव तनाव यानी कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में भी त्वचा की मदद कर सकता है। इस आधार पर सुबह की सैर को प्राकृतिक रूप से बढ़ती उम्र के लक्षणों को दूर करके त्वचा की चमक बनाए रखने में मददगार माना जा सकता है। सुबह की सैर या मॉर्निंग वॉक का अगला और 15वां फायदा, स्वस्थ बाल। महिलाओं में विटामिन डी सीरम का कम स्तर कुछ हद तक फीमेल पैटर्न हेयर लॉस की समस्या के लिए जिम्मेदार माना जा सकता है। वहीं सुबह की सैर बाल झड़ने की इस समस्या से राहत दिला सकती है। दरअसल सूर्य की किरणें विटामिन डी की एक स्रोत होती हैं। वहीं सुबह की सैर करने से त्वचा के जरिए हमारा शरीर सूर्य की किरणों से विटामिन डी की पूर्ति कर सकता है। इस आधार पर ये कह सकते हैं कि सुबह की सैर में विटामिन डी का स्तर बढ़ाकर बालों को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है। और जितनी आपके शरीर पर धूप लगेगी, 15 से 20 मिनट अगर आप पूरे शरीर पर धूप लगाते हैं तो आपके विटामिन डी कभी भी कम नहीं होगी। मॉर्निंग वॉक या सुबह की सैर का अगला और 16वां फायदा, रोग मुक्त रखता है। मॉर्निंग वॉक आपको आंतरिक और बाहरी रूप से स्वस्थ रखने का काम करते हैं। शोध के अनुसार चलने वाली जैसी एक्सरसाइज करने से शरीर में ऑक्सीजन की खपत 11% तक बढ़ जाती है, जिससे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली भी मजबूत होती है। वहीं चलने की प्रक्रिया से न्यूट्रोफिल, एक प्रकार के सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, और नेचुरल किलर ब्लड सेल्स, इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने वाली कोशिकाएं, इनके स्तर में भी सुधार देखा जा सकता है। इस तरह मॉर्निंग वॉक को इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाकर शरीर को रोग मुक्त रखने में भी उपयोगी माना जाता है। मॉर्निंग वॉक या सुबह की सैर का अगला और 17वां फायदा, अच्छे नींद को बढ़ावा। दिन भर का तनाव अक्सर नींद को छीन लेता है, जिससे शरीर को पर्याप्त आराम नहीं मिल पाता है। वहीं अगर सुबह की सैर की आदत डाल ली जाए तो रात की अच्छी नींद का आनंद मिल सकता है। दरअसल पैदल चलने की आदत नींद में बाधा बनने वाले कारकों जैसे तनाव को कम करने में मदद कर सकते हैं। इस वजह से मॉर्निंग वॉक को नींद की अवधि बढ़ाने में कारगर माना जा सकता है। तो अगर किसी को रात में नींद न आने की समस्या है तो वे सुबह की सैर करना शुरू कर सकते हैं। मॉर्निंग वॉक या सुबह की सैर का अगला और 18वां फायदा, दिमागी कार्यक्षमता को कमज़ोर होने से बचाने में है। अध्ययनों के अनुसार उम्र बढ़ने के साथ साथ याददाश्त कम होने लगती है। यह समस्या रोजाना पैदल चलने वाली महिलाओं 65 वर्ष से अधिक की तुलना में कम पैदल चलने वाली महिलाओं में ज़्यादा पाई जाती है। वहीं पैदल चलना उम्र संबंधी मानसिक बीमारियों को दूर रखने का एक शानदार तरीका है। नियमित रूप से चलने और दिन भर एक्टिव रहने से वैस्कुलर डेमेंशिया जैसी मानसिक बीमारी का जोखिम 70% तक कम हो सकता है। इस आधार पर वॉकिंग के फायदे ज्ञान क्षमता बढ़ाने में भी मददगार हो सकते हैं। मॉर्निंग वॉक या सुबह की सैर का अगला और 19वां फायदा, एजिंग से राहत। बढ़ती उम्र के दिखने वाले प्रभावों को रोकने में भी वॉकिंग के फायदे सहायक हो सकते हैं। अक्सर देखा गया है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ मांसपेशियां, हड्डियों व अन्य शारीरिक स्थिति के साथ ही मानसिक क्षमता भी कम होने लगती है। वहीं मॉर्निंग वॉक वृद्ध लोगों में एजिंग से जुड़ी कई समस्याओं को दूर कर सकती है। दरअसल नियमित रूप से चलने से न सिर्फ मांसपेशियों को मजबूत बनाया जा सकता है, बल्कि अधिक वजन, हृदय रोग, हड्डियों की कमजोरी और दिमागी कार्यक्षमता का बेहतर बनाए रखने के में भी मदद मिल सकती है। चूंकि यह सभी समस्याएं वृद्ध लोगों में सामान्य तौर पर बढ़ती उम्र के प्रभाव के रूप में देखने को मिलती है, इस आधार पर यह माना जा सकता है कि बढ़ती उम्र के लक्षणों और समस्याओं को कम करने में भी कुछ हद तक सुबह की सैर फायदेमंद साबित हो सकती है। मॉर्निंग वॉक या सुबह की सैर का अगला और 20वां फायदा, संपूर्ण स्वास्थ्य। चलना एक ऐसा एरोबिक व्यायाम है जो दिल के दौरे की रोकथाम से लेकर उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर को कम करने और मस्कुलर विकारों यानी कि मांसपेशियों और हड्डियों के विकारों के उपचार में भी प्रभावी हो सकता है। सुबह घूमने के फायदे से संबंधित एक शोध में इस बात को साफ तौर पर स्वीकार किया गया है। शोध में माना गया है कि सिर्फ 30 मिनट या उससे अधिक की सैर हृदय गति को नियंत्रित करने के साथ साथ पैरों की मांसपेशियाँ और शरीर के निचले हिस्से को मजबूत बनाने में मदद कर सकती हैं। साथ ही वह शरीर के जोड़ों की लोचता को बढ़ाकर शरीर के आकार बेहतर बनाने में भी मदद कर सकती है। इसलिए प्राकृतिक रूप से शरीर के संपूर्ण स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए मॉर्निंग वॉक को एक अच्छा विकल्प माना जा सकता है। आशा है आपको ये सभी 20 पॉइंट मेरे आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये
मेरा चैनल अच्छा लगा है और ये इससे कुछ भी आपको फ़ायदा हुआ है तो कृपया लाइक करें। आप कुछ भी इसके बारे में जो भी आपको अच्छा लगा है वो कमेंट कर सकते हैं, या आपको कुछ पूछना है तो कमेंट कर सकते हैं, और टर्बो एक्स ड्राइव चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं सचिन मलिक अब आपसे इजाज़त लेता हूँ।